उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2022 के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई दी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए प्रदेश के बाहर से भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में भी नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। ज्यादा भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को कुछ समय रोककर प्रवेश दिया गया। व्रत के श्रद्धालुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जैन पुलिस लगातार क्राउड कंट्रोल में लगी हुई है। यहाँ पर लगभग 220 ज़्यादा पुलिस बल तैनात है और सभी को एक जगह पर हम लोग इकट्ठा नहीं होने दे रहे। बार बार उन्हें आगे बढ़ने की समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये भी पहनने का हम लोग बोल रहे हैं उनको। कई पुलिस वाले बॉटल नेक होने का प्रयास नहीं होने दे रहे हैं। कहीं पर भी भीड़ दिखता है तो तुरंत जाके उसको आगे बढ़ाते हैं। सुचारू रूप से दर्शन होने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट में दर्शन भी करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा बल वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए भी तैयार है और अभी खैरियत है, व्यवस्था सुचारू है। आप किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे और क्यों आए हैं नए वर्ष में? जय महाकाल। हम बहुत अच्छे, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया है। यहाँ सोशल डिस्टेंस और मास्क भी हमने पहन के रखे, सब भी मास्क पहन के रखते है। और क्या मांगा नए साल में आपने? नए साल में हमने बोला महाकाल को कि कोरोना चले जाए और सब बच्चे का भविष्य अच्छे से उज्जवल हो जाए। जय महाकाल। आपका नाम बताइए? हेमा पटेल। नए वर्ष में हर कोई अपने आराध्य के दर्शन करके शुरुआत करना चाहता है ताकि पूरा साल भगवान का आशीर्वाद बना रहे। नए साल की सुबह कुछ ही घंटों में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए 50 से 60 हजार श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की मदद से रोक रोक कर प्रवेश देना शुरू कर दिया है। नए वर्ष की शुरुआत हर कोई बाबा महाकाल के दर्शन से करना चाहता है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। करीब 200 से अधिक पुलिसकर्मी यहां पर लगाए गए हैं। लंबी लंबी लाइनें, कतारबद्ध लोग यहां पर अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनको सुलभता से दर्शन हो सके, इस तरह की व्यवस्था महाकाल समिति द्वारा की गई है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी में हुई घटना के बाद में यहां का जिला प्रशासन और मंदिर समिति अलर्ट हो चुका है और अच्छी व्यवस्था श्रद्धालुओं को देने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।